हाय, आज मैं ये ब्रोकन कप को जो टूट जाता है यूजली ऐसे कभी हैंडल टूट जाती है या कहीं ऐसे चिप हो जाता है तो हम लोग तो फेंक देते हैं, बट आज इसको मैं बहुत ब्यूटीफुली आज यूज़ करने वाली हूँ, उसको डेकोरेट करने वाली हूँ। और इसको आप बहुत कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं, पेंसिल होल्डर की तरह, पेन होल्डर की तरह, या आप डाइनिंग टेबल पर रख सकते हैं स्पून होल्डर के लिए। बहुत ही ब्यूटीफुल बनने वाला है, बहुत आसानी से और बहुत कम थिंग्स के साथ बन जाएगा। इसके लिए हम लोग को चाहिए फेविकॉल, ये मॉच पॉच ग्लू, इसका मैं डाल दूंगी कैसे बनाते हैं। पेंट्स चाहिए, इसमें मैंने ब्लैक और ग्रीन, वाइट और रेड लिया है। इसको मैं ऐसे डबल शेड में पेंट करने वाली हूँ, और ये भी बहुत आसानी से मिल जाता है। 20-20 रुपए की एक एक बॉटल है, 20 रुपए की बॉटल है ये। और इसको मैं डेकोरेट करूंगी एक्सेल को, इसको भी मैं दो अलग तरीके से यूज करने वाली हूँ। तो लेट्स स्टार्ट, बहुत आसानी से बनेगा, इसको हमको कुछ नहीं करना। और एक हमको ये टूथपिक चाहिए, तो पहले मैं तो एक कप के लिए, मैं इसको पहले एकदम एक्सेल को क्रश कर लूंगी, एकदम उसको ऐसे इसको फाइन एकदम ये कर लेना है, एकदम स्मॉल पीस में कर लेना है एकदम इसको। इसको फाइनली आपको एकदम स्मॉल पीस में से क्रश कर लेना है। इसको कोई फेविकॉल लेना है, इसको से लगा दो, पूरा स्प्रेड कर देना है फेविकॉल को। और उसके बाद ये जो हमने किया है, ये इसको इसके ऊपर ऐसे प्रेस कर देना है। एक्स्ट्रा रहेगा वो निकल जाएगा, ऐसे अगेन इसको करेंगे ऐसे। प्रेस करके ऐसे अच्छे से इसको, ताकि वो अच्छे से स्टिक हो जाए। ऐसे इसको हमको पूरे कप में ऐसे पूरा स्टिक कर लेना है फेविकॉल लगा के इसको अच्छे से, और जो एक्स्ट्रा रहेगा वो निक इसको अभी क्या करेंगे हम लोग। इसके लिए मुझे टूथपिक चाहिए रहेगा, टूथपिक इसको अब इसको हम क्या करेंगे, ये टूथ पिक के हेल्प से इसको हम लोग ब्रेक कर देंगे। ऐसे थोड़ा गैप रहेगा, चलेगा, को ऐसे ही लगाते रहेंगे। ये भी बहुत ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत अरे लेंदी काम है, बहुत इजीली और बहुत जल्दी फटाफट हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा आपका बनने के बाद, लेकिन बहुत ब्यूटीफुल दिखेगा। तो आप बड़े पीस में भी ऐसे कर सकते हैं, या तो आप और भी स्मॉल करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, स्मॉल भी लगा सकते हैं, इससे थोड़ा छोटी पीस भी करके लगा सकते हैं। अच्छे से ग्लू लगाना है थोड़ा, टूथपिक से ऐसा करेंगे तो वो इजीली लग जाएगा, थोड़ा गैप रहेगा।
ड्राई हो गया है बिल्कुल दोनों भी, लेकिन ये थोड़ा सा निकल रहा था तो इसमें मैंने ऊपर से ये मॉश पॉश ग्लू फिर से लगाया है इसको। पूरा लगा दीजिएगा आप ऊपर से, तो वो जो थोड़ा बहुत निकलता रहता है वो भी एकदम स्टिक हो जाए। देखिए एकदम हार्ड हो गया, अभी अच्छे से ये निकल गया। और ये मॉश पॉश ग्लू कुछ नहीं, ग्लू प्लस वाटर है। तो अभी चलो इसका स्टार्ट करते हैं पेंटिंग। तो मैं ये रेड कलर से रेड एक्रेलिक कलर से कर रही हूँ उसको मैं। और ये हो जाएगा पूरा एक बार कलरिंग, तो इस पे हम वार्निश लगा देंगे। अगर आपके पास नहीं है वार्निश, नहीं लगाना है तो भी इस ओके। आप अपनी चॉइस का कोई भी कलर ले सकते हैं। अगर आपको व्हाइट रखना, व्हाइट पेंट करना है तो व्हाइट लगा सकते हो आप। दूसरे कप को मैं ग्रीन कलर से करने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। नीचे पूरा डार्क ग्रीन रखना है आपको, डबल शेड में करेंगे। गैप में अच्छे से फिल करिएगा कलर। ये इसको ऐसे पूरा कलर करके हैंडल पे भी, और फिर इसको ड्राई होने के लिए रख। सी अभी ये कम्प्लीटली ड्राई हो गया है। पेंट सूखने के बाद मैंने इस पर वॉर्निश लगाया है। सी हाउ ब्यूटीफुल इट्स लुकिंग।